OnePlus का Nord C4 Lite आ गया है। जब OnePlus का Nord C3 Lite आया था तो उस टाइम पे वो बेस्ट सेलर था दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था अंडर 20,000 के रेंज में। लेकिन क्या अब ये अंडर 20,000 के रेंज में OnePlus Nord C4 Lite बेस्ट फोन है, इस साल का बेस्ट सेलर बनेगा या नहीं, सब कुछ इन डिटेल बात करेंगे। इन्हीं दोनों को हम कंपेयर करेंगे, Nord C3 Lite और Nord C4 Lite को, देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बेहतर है। बेहतर तो डेफिनेटली लेटेस्ट वाला थोड़ा होगा, लेकिन क्या वैल्यू फॉर मनी ज्यादा है और अभी जो 20,000 रेंज के स्मार्टफोन सब आ रहा है उसके कंपटीशन में कितना अच्छा है, सब कुछ दोस्तों इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। यहां पे दोस्तों OnePlus Nord C3 Lite में आपको 6.72 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, AMOLED नहीं था दोस्तों। और जब ये स्मार्टफोन आया था तब अंडर 20,000 के रेंज में इतना ज्यादा AMOLED नहीं आता था, एक दो स्मार्टफोन में ही दोस्तों देखने को मिलता था। लेकिन अभी अंडर 20,000 में बहुत सारे AMOLED डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन आ चुका है तो ये मैंडेटरी बन जाता है, इसलिए यहां पे डिस्प्ले अच्छा दिया गया है दोस्तों। OnePlus Nord C4 Lite में 6.67 इंचेस का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले, दोनों में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है और ब्राइटनेस में आपको यहां पे अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। यहां पे Nord C3 Lite में आपको 680 nits का ब्राइटनेस देखने को मिल रहा था, Nord C4 Lite में आपको 2100 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, तो डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइटर होने वाला है Nord C4 Lite में। लेकिन दोस्तों यहां पे इन दोनों में आपको कोई भी स्मार्टफोन में HDR Dolby Vision ऐसा कंटेंट आप नहीं देख पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस के तरफ। दोस्तों परफॉर्मेंस में कोई भी आपको अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिल रहा है, वही स्नैपड्रैगन 695 था 3 लाइट में, यहां पे 4 लाइट में भी सेम स्नैपड्रैगन 695 है। OnePlus Nord C2 Lite में भी आपको सेम 695 देखने को मिल रहा था, तीन जनरेशन से आपको सेम ही प्रोसेसर दे रहे हैं, जो सही बात नहीं है दोस्तों। प्रोसेसर में अपग्रेडेशन करना डेफिनेटली मैंडेटरी था दोस्तों। जब Amazon में आप OnePlus Nord C4 Lite का पेज देखेंगे वहां पे भी आप देखेंगे दोस्तों भर भर कर मार्केटिंग किया गया है, सभी चीज के ऊपर हाईलाइट दिया गया है, लेकिन प्रोसेसर कौन सा है ये मेंशन भी नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद ही पता है कि अच्छा नहीं है, सेम प्रोसेसर जो प्रोसेसर दो साल पहले देते थे वही प्रोसेसर अभी दे रहे हैं, ये सही नहीं है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से दोनों में सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जब OnePlus Nord C3 Lite लॉन्च हुआ था तब कंपटीशन के हिसाब से करीबन आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। अभी अगर आपको सेम प्रोसेसर मिल रहा है तो ये सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके कंपटीशन जो 3-4-5 स्मार्टफोन है वहां पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों दोनों में आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप LPDDR4X RAM देखने को मिल रहा है। और यहां पे UI के बारे में बात करें, 3 लाइट में आपको ऑक्सीजन UI 13.1 देखने को मिल रहा था, जहां पे आपको Android 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल रहा था, यहां पे ऑक्सीजन OS 14 मिल रहा है Android 14 के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो परफॉर्मेंस सेम ही है, सिर्फ Android वर्जन ही चेंज किया गया है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी कैमरा के बारे में बात करें तो यहाँ पे Nord C3 Lite में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल रहा था, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जिसमें आपको Samsung HM6 कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा था, अच्छा सेंसर है, इसमें आपको अच्छा फोटोग्राफी देखने को मिल रहा है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल रहा था। यहाँ पे आपको ट्रिपल नहीं ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल रहा है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सोनी लिटिया 600 कैमरा सेंसर के साथ, और एक 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा देखने को मिल रहा है। मेगापिक्सल देखें तो 3 लाइट में ज्यादा था, 4 लाइट में कम है, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, पिक्चर क्वालिटी दोनों में आपको करीबन सेम देखने को मिलेगा। अगर आप नेक टू नेक कंपेयर करें तो सोनी लिटिया 600 के वजह से इसमें आपको थोड़ा अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू 3 लाइट, और दोनों में सेम 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल रहा है, और दोनों में से किसी में भी आपको रियर कैमरे में 4K वीडियो शूटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि सैड थिंग है दोस्तों, होना चाहिए था। अभी बैटरी के बारे में बात करें तो Nord C3 Lite में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रहा था 67 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ, यहां पे अपग्रेडेशन दिया गया है, 4 लाइट में आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रहा है विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी दोस्तों यहां पे अपग्रेड किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और उसके अलावा यहां पे Nord C3 Lite में आपको 5G मिल रहा है, डुअल 4G वोल्टी मिल रहा है, वाईफाई 5 मिल रहा है, ब्लूटूथ 5.1 मिल रहा है, जो कि उस टाइम के हिसाब से सही है। लेकिन Nord C4 Lite जो कि अभी आया है उसमें भी दोस्तों आपको बिल्कुल सेम टू सेम सब चीज देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई अपग्रेडेशन नहीं किया गया है,
जो कि होना चाहिए था दोस्तों। और आईपी रेटिंग के बारे में बात करें तो नॉर्ड सी थ्री लाइट में आपको आईपी रेटिंग कौन सा दिया गया है ये मेंशन नहीं किया गया है दोस्तों। नॉर्ड सी फोर लाइट में आपको आईपी 54 रेटिंग मिल रहा है जो कि अच्छी बात है। और हाँ, और एक अपग्रेडेशन किया गया है, जबकि यहाँ पे नॉर्ड सी फोर लाइट में एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, थ्री लाइट में आपको आईपीएस एलसीडी मिल रहा था, तो वहां पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा था, साइड माउंटेड मिल रहा था। यहाँ पे आपको नॉर्ड सी फोर लाइट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। और अभी प्राइस के बारे में बात करते हैं, दोनों में आपको दो दो वेरिएंट देखने को मिलता है। वन प्लस नॉर्ड सी थ्री लाइट का जो बेस वाला वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसका कीमत है दोस्तों 16,884 रुपीस। और जो टॉप वाला वेरिएंट है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसका कीमत है दोस्तों 19,149 रुपीस। यहां पे नॉर्ड सी फोर लाइट में आपको जो बेस वेरिएंट मिलता है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसका कीमत है दोस्तों 19,999 रुपीस। और टॉप वाला वेरिएंट जो है 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसका कीमत है 22,999 रुपीस। तो अगर वर्डिक्ट में आए तो इसमें आपको 3,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिल रहा है। OnePlus Nord C3 Lite 3,000 रुपए कम में मिलता है आपको OnePlus Nord C4 Lite के कंपैरिजन में। और इन 3,000 के डिफरेंस में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि C3 Lite में आपको IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी का IPS LCD डिस्प्ले था दोस्तों। यहाँ पे एक अपग्रेडेशन किया गया है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर से इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर किया गया है। मैं इसको इतना ज्यादा की पॉइंट नहीं मानता हूं दोस्तों, साइड माउंटेड इन डिस्प्ले एक ही बात है, इसमें AMOLED नहीं था इसलिए इन डिस्प्ले नहीं दे रहे थे, AMOLED हो गया तो दे दिए। और उसके अलावा कैमरा में आपको थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। और हाँ, बैटरी में आपको इसमें 5000 mAh मिल रहा था, इसमें 5500 mAh मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग भी ज्यादा दिया गया है, तो बैटरी में भी अपग्रेडेशन किया गया है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में आपको Nord C4 Lite में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ये ज्यादा प्रिफरेबल है खरीदना। लेकिन 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 अगर आपको अंडर 20,000 के स्मार्टफोन एक चाहिए, अच्छा वाला स्मार्टफोन हो, तो आप OnePlus के तरफ मत जाइए। OnePlus Nord C4 कंपटीशन के मुकाबले इतना ज्यादा अच्छा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सेम प्रोसेसर दिया गया है 695, वो कब का गुम हो गया है। तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है फोन में, अगर आपको अंडर 20,000 में अच्छा सा फोन चाहिए तो आप दूसरे ब्रांड के तरफ देख सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में, टोटल वर्डिक्ट में बात करें तो इन दोनों के कंपैरिजन में OnePlus Nord C4 Lite बेहतर है, लेकिन उसके कंपटीशन में आपको बहुत सारा अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, आप उसके तरफ जा सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।